गुड मॉर्निंग, शुरू हो गया है एक नया दिन और मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने नई खबरों के साथ। पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी मॉर्निंग के इस बुलेटिन के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। सेबी ने निवेशकों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया नया प्लान। मजबूत एकीकृत फ्रेमवर्क बनाने के लिए जारी किया ड्राफ्ट। पहचान, सुरक्षा, साइबर हमले का पता लगाना, प्रतिक्रिया देना और रिकवरी जैसे 5 स्तंभों पर बना है नया फ्रेमवर्क। सभी संस्थानों और 2 साल में 2 बार करवाना होगा साइबर ऑडिट। अभी संस्थानों पर लागू होंगे आधारभूत साइबर सुरक्षा उपाय। सस्ते घरों के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू कराने के लिए सरकार ने बैंकों को दिया निर्देश। सरकार ने बैंकों से स्वामी फंड का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कहा। अब तक स्वामी फंड के तहत केवल 2 परियोजनाओं को किया गया है शुरू। रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पिछले 2 महीने में हो चुकी है 3 दौर की बैठक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को दी मंजूरी। आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा नया विधेयक। नवंबर 2022 में जारी हुआ था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का मसौदा। संशोधित विधेयक में पर्सनल डेटा को किया गया है शामिल। गैर व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में रेस्टोरेंट अब खुले रहेंगे 24 घंटे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरे राज्य में रेस्टोरेंट को 7 दिन 24 घंटे खुला रखने की घोषणा की। राज्य के उपभोक्ता अब अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी ले सकेंगे रेस्टोरेंट की सेवा। सरकार के फैसले से स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। ऑर्गेनिक फूड के नाम पर अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। FSSAI ने ऑर्गेनिक फूड से जुड़े नियमों को बनाया सख्त। रेगुलेटर ने ऑर्गेनिक पदार्थों से छेड़छाड़ करने वालों के लिए बनाए सख्त नियम। ऑर्गेनिक के नाम पर नकली प्रोडक्ट बेचने वालों को हो सकती है 2 से 10 साल तक की सजा। बिना किसी रासायनिक उपयोग के पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को कहा जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फूड को FSSAI से लेना होता है लाइसेंस। 16 मई से अब तक 4,900 फर्जी GST रजिस्ट्रेशन को किया गया रद्द। पूरे देश में GST चोरी रोकने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। GST अधिकारियों ने की अब तक करीब 17,000 फर्जी GST रजिस्ट्रेशन की पहचान। CBIC ने 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी पकड़ी। 87 करोड़ रुपए हो चुके हैं अब तक वसूल। रिलायंस का जियो भारत फोन टेलीकॉम सेक्टर में मचा सकता है उथल पुथल। रिलायंस जियो ने 999 रुपये के आकर्षक दाम पर उतारा है 4G फोन। जियो भारत फोन करेगा रिलायंस जियो की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद। इसके साथ 123 रुपये मासिक प्लान भी किया गया है पेश। असीमित वॉइस कॉल के अलावा ग्राहकों को मिलेगा 14 GB डाटा। निकट भविष्य में शुल्क दर बढ़ाने की होगी संभावना कम। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के घट सकते हैं 2G ग्राहक। दोनों कंपनियों के 2G राजस्व में आ सकती है बड़ी कमी। 2G सेवाओं के शुल्क दरों में बढ़ोतरी में भी होगी देरी। DGCA ने संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट की उड़ान तैयारियों की शुरू किया स्पेशल ऑडिट। DGCA के अधिकारी गो फर्स्ट के मुंबई स्थित परिसरों का विशेष ऑडिट करने के लिए पहुंचे। एक टीम गो फर्स्ट की दिल्ली इकाई की करेगी जांच। ऑडिट रिपोर्ट के नतीजे पर ही दोबारा उड़ानें शुरू करने के बारे में होगा कोई फैसला। गो फर्स्ट की उड़ानें 3 मई से हैं बंद। एयरलाइंस ने दी है 10 जुलाई तक उड़ानें बंद रखने की घोषणा। होम लोन महंगा होने के बावजूद लोग खरीद रहे हैं महंगे घर। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून के बीच 1 करोड़ रुपए की कीमत वाले घरों की मांग बढ़ी है। 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री घटी है। साल 2023 की पहली 6 माह में 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री 9% बढ़ी। 1 करोड़ रुपए वाले घरों की हिस्सेदारी कुल बिक्री में 21% से बढ़कर 30% हुई है। वहीं मजबूत मांग की वजह से देश में 8 शीर्ष शहरों में घरों की कीमत 2 से 10% तक बढ़ी। मारुति ने रखा प्रीमियम कार सेगमेंट में कदम। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया अपना पहला महंगा वाहन इनविक्टो। इनविक्टो की कीमत होगी 24.8 लाख रुपए से 28.4 लाख रुपए के बीच। 2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस होगी इनविक्टो। इनविक्टो के आने में MPVD खंड में मारुति की मजबूती और बढ़ेगी। नेक्सा के ग्राहकों की आधुनिक पसंद को ध्यान में रखते हुए किया गया है इनविक्टो को तैयार। इनविक्टो को 61,860 रुपए प्रति माह की दर से किया जा सकता है सब्सक्राइब। भ्रामक विज्ञापन कर रही है ऑनलाइन बीमा बेचने वाली कंपनियां। गैर सरकारी संगठन प्रहार ने लगाया आरोप। वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर रोक लगाने की मांग की। ऑनलाइन बीमा बेचने वाली कुछ कंपनियां भ्रामक जानकारी देकर ग्राहकों को लुभाने की कर रही है कोशिश। कुछ सालों तक एक छोटी राशि का निवेश कर 1 करोड़ रुपए मिलने का किया जा रहा है भ्रामक दावा। बीमा नियामक रिडा ने भी भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। विज्ञापनों से भ्रमित होकर गलत बीमा खरीदने के लिए प्रेरित हो सकते हैं लोग।
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्माइल फाइनेंस बैंक के 3 आवेदनों को किया खारिज। वेस्टर्न हाउसिंग फाइनेंस सहित 2 अन्य संस्थानों ने दायर किया था आवेदन। आरबीआई के पास सामान्य बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए करीब 1 दर्जन आवेदन आए थे। 6 आवेदनों पर केंद्रीय बैंक ने पिछले साल मई में कर दिया था फैसला। वेस्टर्न हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कास्मी फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और अखिल कुमार गुप्ता ने मांगा था स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने का लाइसेंस। निवेशकों की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद पीकेएच वेंचर्स ने वापस लिया अपना आईपीओ। निर्माण और आतिथ्य क्षेत्र में काम करती है पीके वेंचर्स। 3 दिन की अवधि में निवेशकों ने दिखाई निराशाजनक प्रतिक्रिया। अंतिम दिन तक पीकेएच वेंचर्स के आईपीओ को मिला था केवल 65% अभिदान। 2.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों के बदले सिर्फ 1.67 करोड़ शेयरों के लिए मिली थी बोलियां। पात्र संस्थागत खरीदारों के हिस्से को मिला केवल 11% अभिदान। तो फिलहाल के लिए मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस की खबरें और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा आप मनी नाइन की वेबसाइट पर जाकर आप जान सकते हैं। मनी नाइन की वेबसाइट पर जाने के लिए लॉग इन करें www.moneynine.com। यहाँ पर 7 भाषाओं में पढ़ें पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम अगर आपको देखने हैं तो आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।